नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की ओर से ग्राम हसुआ और अहमदपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले का पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। दावा किया गया कि आम जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर सुलझाया जाएगा, हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, पर जिन व्यवस्था के तहत कार्यक्रम हुआ वह यहां के पोल खोलने के लिए काफी रही। दरअसल सरप्लस बिजली का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार का ये कार्यक्रम पूरी तरह जनरेटर पर चलता रहा। इस पर मंत्री महोदय ने ठीकरा पूर्व सरकार पर फोड़ा। इसके बाद कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के नाम पर शासकीय स्कूल अहमदपुर की छात्र को बिठा दिया गया, बाकी भीड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ही रही। पूरा सदन के समय जो प्रदर्शन सामने आया है वो सबके सामने है। मध्य प्रदेश की जनता भी जान रही है, पूरा देश जान रहा है कि बहुमत कांग्रेस के साथ है। लगातार जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम थी। सत्ता सुख भोगते हुए नेताओं को जब कुर्सी खिसकती हुई दिखी तो लगातार उसी दिन से राग अलापना शुरू कर दिया कि मतभेद की सरकार 22 दिन में जाने वाली है, लोली लंगड़ी सरकार है। वो जो विधायक हमारे साथ आए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। वो सौ प्रेरणा से आए हैं। मंत्री जी कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए हैं। सत्ताईस बजे की पवार साहब आए और माननीय 5 बजे तक मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे इसमें शामिल होना था कार्यक्रम में, इसलिए कितने बजे बैठे आप? 1 बजे। आपकी सरकार हमारे द्वारा इस कार्यक्रम में हमारे और भी अतिथिगण हैं, इसके लिए हम आए। क्या काम है आप यहाँ पे? हमारा पंजीयन बन रहा है जी। साउंड चलाते हैं, जनरेटर काम करते हैं। अभी कहाँ पे आए हो? अभी अहमदपुर। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मंत्री जी की सभा चल रही है। यहाँ पर जनरेटर से पूरी लाइट सप्लाई हुई है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।